पटना जिले के नौबतपुर में बीते रात हुए सरेआम बाजार में दो लोगों को गोली मारने के विरोध में सोमवार को नौबतपुर बाजार पूरी तरह से बंद रहा, जहां दुकानदार और स्थानीय लोगों ने स्वतः बाजार को बंद कर विरोध जताया और घटना में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि घटना के कई घंटे बीतने के बाद अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी हुई है। घटना के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों घायल पटना एम्स में भर्ती हैं और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। प्रभारी थाना अध्यक्ष रवि रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। मैं आज दुकानें बंद हैं, इसका कारण क्या है? कल रविवार को शाम में कुछ अपराधियों ने दो व्यवसायियों पर जानलेवा हमला किया। अच्छा। और इसी के विरोध में यहाँ के दुकानदार जो है सो आज बंद रखे हैं, स्वतः बंद रखे हैं। कारण ऐसा है कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं डर सता रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ के अपराधी लोगों का मन वर्चस्व बढ़ा हुआ है और इसी के विरोध में यहाँ के दुकान आज बंद रहे।